हेलो एंड नमस्कार गाइस, वेलकम वेलकम। आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी एंड फाइनेंस निफ्टी प्रेडिक्शंस फॉर टुमारो के लिए। जी हाँ, 2 अगस्त के लिए। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले, फ्री ऑफ कॉस्ट के सिग्नल के लिए, बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। यदि आप सीखना चाहते हैं, देखिए एल्गोरिदम की मदद से इस तरीके से पैसा बन रहा है, और यदि आप बनाना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। और यदि सीखना चाहते हैं एल्गोरिदम, वो प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं एल्गोरिदम की मदद से, तो आपको ये सारी चीजें हम सिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे काम करता है मार्केट। तो गाइज स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आई होप करता हूँ। और कल के दिन मैंने पहले ही बोल दिया था आज गिरावट होगी, और इसका इसका 1 अगस्त का वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो, मैंने बोला था सेलिंग ही आने की कोशिश करेगा। तो देखो सबसे पहले कंडीशन हम बात करते हैं बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले चार्ट, मैं देखो डेली चार्ट खोल के बैठा हूँ, सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। देखो ये ट्रेंड लाइन डाइवर्जन चल रहा है अभी भी, तो ट्रेंड लाइन डाइवर्जन चल रहा है स्टिल, और यहाँ पर मार्केट में अभी भी देखा जाता है एक अप ट्रेंड ही बना हुआ। अप ट्रेंड मतलब मार्केट सिर्फ नीचे से ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है, और अभी भी स्टिल यहाँ पर एक, यदि जब तक सेलिंग नहीं आती, लास्ट 3 डेज से भी देखा जाता है हेमरेटिक कैंडल ही बनती हुई नजर आ रही है। तो लास्ट 3 डेज की कैंडल को भी जरा ध्यान से देखा जाता तो एक तीनों की तीनों हेमरेटिक कैंडल ही बन रही है, और नीचे से ऊपर जाने की पूरी तरीके से कोशिशें कर रही है। और अभी भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न के लिए यदि मार्केट के बारे में बात किया जाता है, मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न तब बनेगा जब यहाँ पर मार्केट में एक सेल ऑफ आएगा पूरी तरीके से, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। जब तक ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आएगा, मतलब मार्केट गिरे और कवरिंग करे उसके बाद हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। जब तक कि मार्केट इस लाइन के ऊपर है, जब तक हम ट्रेंड को अप ट्रेंड में ही समझेंगे और मार्केट को ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश करता है निचले स्तरों से। तो अब आपको एक सपोर्ट के बारे में बात करते हैं, तो निचले स्तर पर भारी स्ट्रांग दिखाई एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, स्ट्रांग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। देखिए मैं रिमूव करता हूँ यहाँ पे लाइन्स को एंड सिंपल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आज के एंड ऑफ द डे लो से देखो इस तरीके की लाइन ड्रॉ होती है, एंड मार्केट इस दो लाइन और दो बॉक्स के बीच में काम करता हुआ नजर आता है। तो जब इस प्रकार का जब पैटर्न नजर आता है तो मार्केट को साइडवेजिक कहते हैं, साइडवेजिक चैनल मतलब पहले से फिक्स थी हमारी। एंड सुबह सुबह मार्केट में मैंने पहले ही बोल दिया था कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी साइडवेज ही है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं, बिल्कुल हमने पहले ही बोल दिया था। जी हाँ, और इसके बाद मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग आने की कोशिश करी, मतलब 5 मिनट के चार्ट पर देखा सेलिंग, सबसे पहले सेलिंग ही आई वहां से, और सेलिंग आने के बाद तुरंत नीचे उस बॉटम तक गिरने की कोशिश करी। और मैंने कहा था निचले स्तरों पर एक W चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। निचले स्तरों पर देखो एक एक ट्रेंड ऑफ डाइवर्जन की लाइन भी थी इस तरीके की, जिस लाइन ने हमको बोला कि मार्केट का ट्रेंड ऑफ डाइवर्जन चेंज हुआ है, तो और मार्केट में सेल ऑफ आना तय था। फिर वहां से एक रिकवरी थी क्योंकि सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मौजूद है, बट इस रेंज के बीच में फंस कर रह गए। अब क्या होगा कल सुबह के बारे में बात करते हैं। तो कल सुबह मार्केट में अभी भी देखो मैं कंसोलिडेशन व्यू लेकर ही चल रहा हूँ, जब तक इस दो लाइनों के बीच का स्ट्रक्चर जब तक ब्रेक नहीं करता है, जब तक मैं आप लोगों को कुछ भी ट्रेड करने की सलाह नहीं दूंगा। सबसे पहला काम तो मतलब आप लोगों को इस ट्रेंड ऑफ डाइवर्जन में सबसे पहले ये, मतलब यदि आपको बैंक निफ्टी 45,800 के नीचे मिलती है तो आपको बेचना है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, बेचना है। यहाँ इस लेवल पर फिर से सेलिंग आ सकती है और नीचे तक 45,500 तक गिर सकती है, तो कंडीशन नंबर वन। दूसरी कंडीशन, यदि मार्केट इसी रेंज में रहता है और मतलब 45,522 की रेंज में ही रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, निचले स्तरों से रिकवरी भी आती हुई नजर आ जाएगी। मगर यदि दोनों रेंजों को ब्रेक करता है, ये दो रेंज को ब्रेक करता है, तो मार्केट में बड़ी तेजी के बनते हैं आसार बनते हैं। मतलब 45,850 के ऊपर जाके टिक गया तो मार्केट में एक बड़ी तेजी, जोरदार तेजी बनती हुई नजर आएगी, जो आप लोगों को ऊपर की तरफ लेकर जाएगी, जो कि इस तरीके का पैटर्न चार्ट बन सकता है। और हमको एल्गोरिदम भी ये बोलती है कि मार्केट में एक अप ट्रेंड मूवमेंट थोड़ा ज्यादा है, निचले स्तरों से रिकवरी आ सकती है, कभी भी शार्प रिकवरी, और यहाँ पर ही एक रेजिस्टेंस पॉइंटिंग एरिया बनता हुआ नजर आता है इसी पॉइंट के करीब करीब। तो यहाँ पर ही एक मैं सेलिंग आने की सलाह दूंगा, क्योंकि यहीं पर ही एक मार्केट की इतनी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती। हो सकता है एक्सपायरी आप लोगों के लिए इस तरीके का ट्रेंड लेकर आ जाए, यदि मार्केट में तेजी आया तो समझ लेना कि मार्केट में इतनी बड़ी तेजी आएगी। सेकंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं, यदि मार्केट इस लाइन के नीचे खुलता है, मतलब यदि आपको सीधे कंडीशन खुलती है, मार्केट गैप डाउन खुलता है 45,000, आप लिख लीजिएगा 45,460 के नीचे, 45,460 के नीचे यदि जाता है मार्केट, तो आप लोगों को एक भारी भरकम सेलिंग सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, जिसके कारण आप लोगों को एक से 2 दिनों में हो सकता है कि 45,240, और इसको सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर एक बड़ी गिरावट जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पर क्रैश डाउन बन सकता है, जो कि
44,700 के लेवल के लिए बनती, इस तरीके के बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन बनता है गाइस। रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, यदि वीडियो समझ में आया, यदि कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। ऑप्शन ट्रेडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, एंट्री एग्जिट टारगेट स्टॉप लॉस एल्गोरिदम की मदद से, एल्गोरिदम सीखना चाहते हो सिखाएंगे हम आप लोगों को बिल्कुल, और सीखना चाहते हो तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ना। बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी के बारे में। गाइस एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा फाइनेंस निफ्टी प्रेडिक्शंस फॉर टुमारो। देखिए आप इस वक्त डेली चार्ट देख रहे हैं फाइनेंस निफ्टी का, और मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा फाइनेंस निफ्टी के चार्ट को, जरा ध्यान से देखिए आप लोग, और मैं सिमिलैरिटी दिखाना चाहता हूँ कुछ आपको। यदि देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये चार्ट और बैंक निफ्टी का चार्ट बिल्कुल सिमिलर ही बन रहा है, मतलब बैंक निफ्टी की मूवमेंट और फाइनेंस निफ्टी की मूवमेंट भी सिमिलर ही बन रही है। ध्यान से देखो ये डेली चार्ट है दोनों के ही, बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी दोनों में ही हैमरेटिक कैंडल बनी है। ध्यान से देखिए फाइनेंस निफ्टी के लोअर लेवल पर आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट 3 डेज से एक सपोर्टिंग कैंडल जनरेट हो रही है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बारे में बात कर रही है, तो इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। यदि मुझे फाइनेंस निफ्टी में बड़ी बाइंग करने के बारे में मौका मिले तो मैं बाय करूंगा। कहां पर? सीधी सी बात है, मैं सिंपल भाषा में समझाऊंगा आप लोगों को, और ये बाय करना है आप लोगों को तकरीबन 20,400 के ऊपर, मतलब यदि 20,400 रुपए के ऊपर यदि खरीदने का मौका मिलेगा तो यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन हम क्रिएट कर सकते हैं जिसके टारगेट्स आप लोगों को ऑल टाइम हाई के लिए देखने को मिल सकते हैं। तकरीबन यहाँ पर ये इस तरीके का प्रोजेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, और यदि मार्केट इस रेंज के नीचे ब्रेक करता है, यदि दोनों रेंज के बीच में है मार्केट, तो आप लोगों को यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए जो 20,100-150 का लेवल हो, और उसके नीचे बिकवाली आएगी भारी मात्रा में जो कि तकरीबन आप लोगों को 1 से 1.5%, जो कि 19,990 के तकरीबन देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके का मार्केट का व्यू है हमारा, जो कि लॉन्ग व्यू और शॉर्ट व्यू आपको लोगों को मैं बता रहा हूँ, और इस दोनों दोनों जो तीन कैंडले हैं, तीन कैंडलों को यदि हाई ब्रेक नहीं हो रहा है तो वहां पर ट्रेड करने की कोई सलाह नहीं होगी। रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, एंड यदि कोई सवाल हो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए है ना, और किसी स्टॉक पर सवाल हो तो आप कमेंट्स जरूर कर सकते हैं, स्टॉक कैश एंड फ्यूचर के लिए और भी कई चीजों के लिए सवाल कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़े हुए भी कर सकते हैं। थैंक यू।